तो गाइज अब हम काफी सारा चल के आ गए हैं और आगे आके हमें कुछ ऐसा दिख गया जिससे हमारा मूड बहुत ज्यादा पहले तो खराब हो गया था। तो फाइनली गाइज अब हम एंटर करने लगे हैं हिमाचल। वेलकम टू हिमाचल प्रदेश। और तो गाइज अभी तो हम एंटर ही हुए थे हिमाचल में और अभी से इतना जाम। हम शिमला बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, तो आप मत सोचो हम शिमला जा रहे हैं। चलो बट अब हमें पता लगा कि मतलब मैं आपको दिखाती हूँ पहले वो चीज क्या है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय ट्रैवलिंग व्लॉग अगेन। तो गाइस आज मैं कहाँ जा रही हूँ मैं वो तो नहीं बता रही, बट हाँ आज जाने की खुशी तो बहुत है क्योंकि अगर जिन्होंने मेरा पहला वाला व्लॉग देखा होगा उनको तो पता ही है कि आज मैं इतनी एक्साइटेड क्यों हूँ। तो जिन्होंने नहीं देखा पहले वो जाके वो वाला व्लॉग देख कर आओ, उसके बाद आपको ये वाला व्लॉग देखने में बहुत मज़ा आएगा। तो गाइज आज हम जा रहे हैं अपनी न्यू कार में। तो अभी फिलहाल हम उठ के रेडी वगैरह हो रहे हैं, मम्मा भी थोड़ा रेडी वगैरह हो रहे हैं, तो बस मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फाइनली गाइज अब हम बहुत जल्दी जल्दी में करा हमने सब कुछ क्योंकि बहुत लेट हो गए थे ऑलरेडी। तो अब बस हम लोग आके गाड़ी में बैठे हैं और मैं आपको सामान दिखाती हूँ हमने सामान कैसे रखे हैं। बस जल्दी जल्दी हमने रख दिया, हमने कुछ नहीं देखा, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइज बहुत देर हो चुकी है हमें, इसलिए मैंने सोचा मैं नीचे आके आपको दिखा दूँ। तो हमने सामान वगैरह सब पैक करके रख दिया है और बस अभी हम निकलने लगे हैं, तो आगे मैं आपको दिखाती हूँ आगे। तो गाइज अब हम पहुँच चुके हैं शिमला हाईवे पे और अभी हमने फर्स्ट टोल आ चुका है हमारा। अभी हम रुक के थोड़ा सा टोल वगैरह का रिचार्ज कर लेते हैं क्योंकि वो रह गया था। और यहाँ से अभी हम जहाँ जा रहे हैं वो काफी किलोमीटर है, अभी चलते हैं। नहीं हम शिमला बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, तो आप मत सोचो हम शिमला जा रहे हैं। चलो तो गाइज अभी तो हम एंटर ही हुए थे हिमाचल में और अभी से इतना जाम मिल गया। और वैसे भी वीकेंड है तो वीकेंड पे तो जाम वगैरह होता ही है, बट इतना ज्यादा ट्रैफिक, मतलब पिछले हम तीन किलोमीटर से हम जाम में हैं और अभी भी आगे कितना है हमें कुछ नहीं पता। ये देखो गाइस हाँ, अभी तो ये कुछ नहीं है, इसके आगे बहुत सारा है, नीचे से भी दिख रहा था जब हम दूसरी वाली रोड पे थे। गाइज अब हमें समझ आया हम इतने जाम में क्यों फंसे थे, ये इस वजह से। ये सेकंड टोल है गाइज जो आपको बिल्कुल हिमाचल में बिल्कुल जस्ट एंटर करते हो आप तो ये आपको टोल मिलता है। उफ, मतलब इतने से हमें 100-150 किलोमीटर में जाने में हमें 3-4 टोल देने पड़ते हैं। ये है दूसरा टोल, अभी मैं आपको थर्ड भी दिखाऊंगी। तो गाइज अब हम काफी सारा चल के आ गए हैं और आगे आके हमें कुछ ऐसा दिख गया जिससे हमारा मूड बहुत ज्यादा पहले तो खराब हो गया था, बट अब हमें पता लगा कि मतलब मैं आपको दिखाती हूँ पहले वो चीज क्या है। तो गाइज वो देखो सामने एक ट्रक उल्टा हो गया। तो गाइज हम जैसे ही आए मतलब मोड पे ही हमने ये देखा, बट मतलब न्यूज़ ये है कि मतलब वो जो आदमी था जो मतलब ट्रक चला रहा था वो सेफ है। तो अब ट्रक तो दोबारा भी आ जाएगा, आदमी नहीं आता। चलो आदमी तो बच गया। तो गाइज अब हम रुके हैं यहाँ कुलचा खाने और ये देखना इनको। अब हम रुके हैं कुलचा खाने यहाँ पे। अब हम एंटर हो चुके हैं चैल वाली रोड पे और आप देखो ये बिल्कुल छोटी सी रोड है यार, मतलब सोलन तक तो फिर भी ठीक था, सोलन से थोड़ी सी आगे आके फिर यहाँ से राइट को हो जाता है ये वाला रास्ता। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं आगे, तो इतनी देर तक आप सीनरीज एंजॉय करो।
अब हम रुक चुके हैं 3-4 घंटे चलने के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे यार बैठे बैठे, मतलब सुबह से ही। तो हमने सुबह भी ब्रेकफास्ट ही किया था, तो अब हमने सोचा कुछ खा पी लेते हैं, यहाँ पे चाय और मैगी वगैरह। तो एक बार आप यहाँ पे व्यू देखो, मैं आपको बैक कैमरे से पहले व्यू दिखाती हूँ। हाँ, आपके पेट पर बहुत फ़र्क पड़ गया। तो गाइस ये देखो आप व्यू। अच्छा है ना, ये देखो ऐसे नहीं करते। अब तो मैं यही क्लिप डालूंगी। मार भी पड़ेगी मुझसे। ऐसे ही पड़ेगी, क्यों पड़ेगी भाई, गाइस मुझे कोई मार मुड़ नहीं पड़ती। देखो अच्छा लग रहा है यार, बहुत प्यारा लग रहा है। तो गाइस इस मौसम में मैगी और चाय का तो मजा ही कुछ हो रहा है, सीरियसली। तो अब हम जल्दी से खा लेते, देख देख के तो और भी भूख लग रही है।